जनसंख्या नियंत्रण समाधान फाउंडेशन की ओर से देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पिछले दिनों 2 अप्रैल को बीकानेर से भारत माता यात्रा शुरू हुई थी। 14 अप्रैल को ये यात्रा अलवर आ रही है। फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 बच्चों के कानून बनाए जाने की मांग को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है और जनसंख्या नियंत्रण के कारण देश के सभी संसाधन कम पड़ने लगे हैं। आपको डिटेल देंगे, लेकिन अभी आप नोट करें, 14 तारीख को सुबह यात्रा आकर के अलवर में पहुंचेगी। बहरोड माने बीकानेर से यात्रा प्रारंभ होकर के श्री गंगानगर, श्री हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नारनौल होकर यह 10 बजे बहरोड में यात्रा पहुंचेगी। 10 बजे में 10 बजे स्वागत सत्कार मोटरसाइकिलों के द्वारा काफिले के साथ नारनौल के बीच में जखराना गांव, नारनौल बहरोड के बीच में, वहाँ से काफिले के साथ आएंगे बहरोड। स्थान अभी बहरोड के लोग आज तय करेंगे, मैं जा रहा हूँ। 10 बजे बहरोड, 12 बजे मुंडावन, ये विधानसभा क्षेत्रों पर ही है। कुल 8 विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं। 10 बजे बहरोड, 12 बजे मुंडावन और उसके बाद 2 बजे, और उन्होंने खैरसल लिखा है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, 4 बजे तिजारा और 6 बजे किशनगढ़। इसमें खैरसल और किशनगढ़ के बीच में, क्योंकि रात्रि विश्राम किशनगढ़ दिया, हो सकता है किशनगढ़ में व्यवस्था न हो तो खैरसल में रात्रि विश्राम होगा। ये कार्यक्रम है और 14 अप्रैल का, 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे अलवर शहर, अपने अलवर शहर में, और 12 बजे रामगढ़ मेरे पूर्व के विधानसभा क्षेत्र में, 2 बजे लक्ष्मणगढ़, 4 बजे कठुमर और 6 बजे खेड़ली। रात्रि विश्राम खेड़ली करना चाहेंगे, खेड़ली रुकेंगे और नहीं तो जयपुर पधारेंगे। उसके बाद भरतपुर है, वो 19 तारीख से है। मान अलवर ज़िले में 8 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम है। इसमें यह कार्यक्रम पूरे दल बल के साथ, काफिले के साथ, और रास्ते में जगह जगह स्वागत और सत्कार है इसका। और जहाँ कार्यक्रम है, साधनों की कमी है, आप खुद लिख रहे हैं, खुद चैनलों पर आ रहा है, अलवर में पानी की बहुत कमी, पानी बरसता भी कम लेकिन व्यवस्था भी गड़बड़ है। उस व्यवस्था गड़बड़ में जनसंख्या मूल कारण है, शिक्षा के संसाधनों की कमी, जल के संसाधनों की कमी, बिजली के संसाधनों की कमी, परिवहन के संसाधनों की कमी। सबसे बड़ा मुद्दा है आपके हमारे लिए, रीट में हमारे लाखों बच्चे बैठे, रीट का पेपर आउट अलग बात है, लेकिन लाखों बच्चे बैठे दर दर भटक रहे हैं। राजस्थान में लगभग 1,22,00,000 बेरोजगार युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जो लोग रिक्शा चलाते हैं और पटरी पर घूमते हुए अलग, तो ऐसी बेरोजगारी का कारण बहुत ही कारण, और जो सांस्कृतिक कारण हैं इस देश के, राजनीतिक कारण हैं कि जनसंख्या एक तरफ बढ़ रही है, एक मजहब विशेष की, एक समुदाय विशेष की, इसके कारण संतुलन जो बिगड़ रहा है, उस संतुलन को बनाने के योजना पूर्वक एक भारत माता यात्रा 2 अप्रैल माने वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ला एकम 2079 को बीकानेर से प्रारंभ होकर कर्णी माता मंदिर में पूजन कर प्रारंभ हुई। बीच के जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू होते हुए अलवर जिले में दिनांक 14 अप्रैल को आ रही है। वो हरियाणा के नारनौल से बहरोड तक आएगी। बहरोड में सुबह 10 बजे सभा है, 12 बजे मुंडौर में है, 2 बजे खैरसल में, 4 बजे तिजारा और 6 बजे किशनगढ़, रात्रि विश्राम किशनगढ़। दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे अलवर शहर, 12 बजे रामगढ़, 2 बजे लक्ष्मणगढ़, 4 बजे कठुमर और 6 बजे खेड़ली में, रात्रि विश्राम खेड़ली में है। इस भारत माता यात्रा का उद्देश्य है और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का उद्देश्य है, हमारे दो तो सबके दो, सबके दो तो किसी के 20-25 क्यों।
इस उद्देश्य को लेकर श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दो बच्चों का कानून बनाए, इस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकल रही है। आप सब मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, आम जनता तो उसमें रहेगी और इस विचारधारा के, राष्ट्रपति विचारधारा के सारे संगठन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग ले रहे हैं। मैं आपके बीच में हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, मुंडौर में है, कैथल में है, तिजारा में है, किशनगढ़ में है, वहाँ सभाएँ भी होंगी, रामगढ़ में है, लक्ष्मणगढ़ में है, कठुमर में खेड़ में, वहाँ सभा भी होगी, स्वागत सत्कार, बीच के रास्ते में स्वागत सत्कार है। यह भारत माता यात्रा 14-15 को है, पूरे राजस्थान में घूमेगी और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय यह यात्रा निकाली है और निकल रही है।